गूगल ने 2012 में मोटोरोला को 12.5 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था और इसके सिर्फ 2 साल बाद ही गूगल ने मोटोरोला को 3 बिलियन डॉलर्स में बेच दिया और इसकी वजह से गूगल को सिर्फ 2 साल में 9.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी गूगल कहता है कि इस डील में उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत लोगों को लगा कि गूगल भी सस्ते नशे करने लगा है, लेकिन गूगल ने सस्ते नशे किए थे या बहुत बड़ा गेम खेला था, चलिए जानते हैं। जिस तरह सर्च इंजन की दुनिया में गूगल सबसे आगे है, इसी तरह गूगल स्मार्टफोन्स की दुनिया में भी सबसे आगे आना चाहता था, लेकिन स्मार्टफोन्स की दुनिया में पहली एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े बड़े प्लेयर थे जिनको हराने के लिए गूगल को चाहिए थी टेक्नोलॉजी। और मोटोरोला की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तकरीबन 15,000 पेटेंट्स थे, उन पेटेंट्स का एक्सेस लेने के लिए ही गूगल ने मोटोरोला को हाई प्राइस पर खरीदा था और ज्यादातर पेटेंट्स की ओनरशिप लेकर गूगल ने मोटोरोला को बेच भी दिया था। अगर आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।